पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य विभाग के गतिविधियों के बारे में अपडेट देना है, खासकर इस गर्मी में पेयजलापूर्ति के जो इश्यूज रेज हो रहे हैं जगह जगह, उस पर विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है और हमारी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में आप सभी के माध्यम से जानकारी जनमानस तक पहुंचाना है। और हमारे जो टोल फ्री नंबर्स हैं उसका और अधिक से प्रचार प्रसार हो, ताकि लोगों की जो शिकायतें हैं वो सीधे हमारे कॉल सेंटर तक पहुंच सके और उसका हम त्वरित निष्पादन कर सकें। इस उद्देश्य के साथ भी इस बैठक को आज हम लोग कर रहे हैं। आप सभी को एक प्रेस नोट सर्कुलेट किया गया है, जिसमें विभाग की गतिविधियों और खासकर इस ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए क्या हमारी तैयारी है, क्या व्यवस्था है, उस पर डिटेल्स दिया गया है। समरी में खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बेनिफिट के लिए उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक कॉल सेंटर जो हम लोगों ने एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करके शुरू किया है, जिसमें टोल फ्री नंबर 1800-345-6502 एवं व्हाट्सएप नंबर 9470176901, इस पर कोई भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है और समस्याओं को दर्ज कराने के कई तरीके हैं, कई माध्यम हैं। कोई लिखित में अपनी शिकायत भेज सकता है, कोई फ़ोन पर भेज सकता है, कोई व्हाट्सएप पे भेज सकता है, कोई ईमेल से भी भेज सकता है। आप सीधे चाहें तो पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स आपको या हमारे जो शिकायतकर्ता को मदद करेंगे उन कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने के लिए। एक बार पोर्टल पे आने के बाद वो सभी को दिखता है, हमारे जूनियर इंजीनियर से लेकर के सचिव तक और जिले के उपायुक्तों को भी इसके डैशबोर्ड का सुविधा उपलब्ध है। तो अभी जो हमारे पास आज की स्थिति में जो डेटा उपलब्ध है इस पोर्टल पे, उसकी समरी में आपको बताऊं, अब तक कुल 2326 कंप्लेंट्स इस पोर्टल पर हमें आ चुके हैं, जिसमें से 1502 का निदान हो चुका है और बाकी जो है वो निदान की प्रक्रिया में है। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसका समाधान हमारे स्तर से नहीं होना था, उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया है, ये आंकड़े हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से भी हमें कई समस्याएं आप जो हमें अवगत कराते हैं अपने मीडिया के माध्यम से, वो भी हमारे पास आए हैं। ऐसे कुल 178 मामले आए हैं, इनमें से 144 का निदान हो चुका है और 34 जो है निदान की प्रक्रिया में। नलकूपों की अद्यतन स्थिति आपको राज्य स्तर पर हम बता दें, जो चापाकल हैं हमारे 4,40,767 चापाकल हैं पूरे राज्य में और झारखंड राज्य में लगभग 1,20,000 टोले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 से 4 चापाकल प्रति टोले लगाए जा चुके हैं। इनमें से जो चापाकल बंद हैं विभिन्न कारणों से, उनके भी आंकड़े हमारे पास हैं और इनको निरंतर हम लोग बनाते हैं और वो प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। चापाकल बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं, एक आंकड़ा कंटिन्यूअस रनिंग मोड में रहता है। आरआरपी के कारण कुल 26,529 चापाकल अभी नहीं चल रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है। एसआर के द्वारा मरम्मति हेतु 16,585 चापाकल है और साधारण मरम्मति हेतु 8,038 चापाकल है। इन चापाकलों को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इधर अब तक जो चापाकल बने हैं उनकी भी फिगर्स है हमारे पास, थोड़ी देर में आपके पास शेयर कर देंगे, वो फिगर भी कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है।
RM2DT, बेसिकली RM2DT वो वर्क है जिसमें कि चापाकल के कोई छोटे से कंपोनेंट या पार्ट में खराबी आने के कारण वो काम करना बंद कर देता है, तो उसको रिपेयर करते हैं, या एक पाइप सड़ जाता है उसको बदलते हैं, उसको हम लोग RRP बोलते हैं, रॉटन राइजर पाइप्स। तो अभी तक गत वर्ष में हम लोगों ने 1,59,247 चापाकलों की मरम्मती की है, और अगर इस अप्रैल माह का सिर्फ हम आपको आंकड़ा बताएं, क्योंकि गर्मी के समय में समस्या ज़्यादा विकट हो जाती है, कंप्लेंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वाटर टेबल नीचे जाने लगता है, तो चापाकल में थोड़ी सी भी समस्या होती है तो पानी उसमें से आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इस अप्रैल माह में, जिसमें कि अभी तक 21 दिन गुजरे हैं, 16,764 चापाकल बनाए गए। RM रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, छोटे मोटे नहीं, RM2DT बोलते हैं इसको, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू ड्रिल ट्यूब वेल्स, ड्रिल्ड ट्यूब वेल्स। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन पे एक छोटा सा प्रकाश डालना चाहें, क्योंकि अल्टीमेटली उसके माध्यम से भी हम लोग लोगों तक पेयजल उनके घरों तक पाइप के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत कुल 59,23,320 घरों तक हमें पाइप वाटर सप्लाई पहुंचाना है, और ये काम हमें 2024 तक पूरा करना है। 31 मार्च 2022 तक हम लोगों ने 11,60,370 घरों में नल की सुविधा पहुंचा दी है। 34,61,449 घरों के लिए नल पहुंचाने के लिए या तो योजना स्वीकृत हो गई है, या उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है, या उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। 6,25,506 ऐसे घर हैं जिनके लिए योजना DPR तैयार है, उसको सैंक्शन किया जाना है, और 6,75,000 और ऐसे घर हैं जिनके DPR प्रिपरेशन अंतिम चरण में है। तो ये हमारी स्थिति है। तो आज के बैठक के मुख्य उद्देश्य तो पुनः हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि ये जो हमारा कॉल सेंटर है जिस पर लगातार शिकायतें आ रही हैं, उसका आप के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, और लोगों को अगर शिकायत हो, असुविधा हो, तो सीधे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स रजिस्टर किए जाएंगे, और आपका भी सहयोग मिल रहा, आपके माध्यम से भी कई समस्याएं हम तक पहुंच रही हैं, उसका निदान भी हम लोग कर रहे हैं। आपसे बस एक अनुरोध भी है, 2-3 मामले हमारे सामने आए हैं जिसमें कि आपके माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें हम तक पहुंची हैं, लेकिन वो कई बार बहुत एग्जैजरेटेड मोड में रहता है। जब हम लोग जाते हैं पता चलता है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है और उसका तुरंत निदान होता है, या समस्या होती ही नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।